Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस में पार्ट 19 और पार्ट 22 का दोहरान करेंगे. सबसे पहले हम पार्ट 19 टोपी वाला और बंदर का दोहरान करेंगे. तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस की किताब निकालेंगे और पेज 62 पर आएंगे. ध्यान रखने योग्य बातें. रामपुर में एक टोपी वाला रहता था. वह गांव-गांव जाकर टोपियां बेचता था. बच्चे बूढ़े सभी उससे टोपियां खरीदते थे. टोपी ले लो, रंग बिरंगी टोपी ले लो. एक दिन टोपी वाले का पेड़ के नीचे आराम करना. एक दिन चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ की शीतल छाया में लेट गया. लेटते ही उसे नींद आ गई. उस पेड़ पर बंदर रहते थे. वह उसे देखकर नीचे आ गए. बंदरों का टोपियों की गठरी खोलकर टोपियां निकालना. बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपी वाले की सारी टोपियां पहन ली. फिर वे पेड़ पर जाकर उछल कूद करने लगे. टोपी वाला अब भी गहरी नींद में सो रहा था. टोपी वाले का टोपी उतार कर फेंकना और बंदर का नकल करना. कुछ देर बाद जब टोपी वाला जागता है और देखता है कि उसकी गठरी खाली है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है. वह इधर उधर देखता है. अचानक से उसकी नज़र जो है ऊपर जाती है और वह देखता है कि बंदर जो है उसकी टोपी लगाए हुए हैं. वह बहुत कोशिश करता है लेकिन बंदर उसकी टोपियां नहीं दिखते हैं. फिर वह अपनी टोपी को निकाल कर फेंक देता है. बंदर तो नकलची होते हैं. बंदर भी क्या करते हैं, टोपियां उतार कर नीचे जमीन पर फेंक देते हैं. और टोपी वाला क्या करता है, टोपी वाला अपनी सारी टोपियां इकट्ठी करता है और वहां से चला जाता है. तो बच्चों चलो अब हम इसका बुक वर्क दोहराते हैं. सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न दोहराएंगे जो आपको पेज नंबर 64 पर दिए हुए हैं. प्रश्न एक, टोपी वाला अपनी टोपियां बेचने कहाँ जाता था. बच्चों टोपी वाला अपनी टोपियां बेचने कहाँ जाता था, गांव गांव. प्रश्न दो, टोपी वाले की टोपियां कैसी थी. बच्चों टोपी वाले की टोपियां कैसी थी, रंग बिरंगी. तो यहाँ क्या आएगा, रंग बिरंगी. प्रश्न तीन, टोपी वाले को नींद क्यों आ गई. बच्चों टोपी वाले को क्यों नींद आ गई थी, थकान के कारण. अब हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए दोहराएंगे जो आपको पेज नंबर 65 पर दिए हुए हैं. क, टोपी वाला कहाँ रहता था. यहाँ आपको तीन विकल्प दिए हुए हैं. पहला विकल्प रामपुर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा दिल्ली में. तो रामपुर क्या है, रामपुर सही उत्तर है. ख, रिक्त स्थान, टोपी लेकर पेड़ पर चढ़ गए. पहला विकल्प बालू, दूसरा लंगूर, तीसरा बंदर. तो बंदर क्या है, बंदर सही है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे. बच्चों हम कॉपी वर्क का दोहरान करेंगे. टोपी वाला और बंदर. सबसे पहले हम नवीन शब्द दोहराएंगे. पहला टोपियां, दूसरा गठरी, तीसरा शीतल, चौथा नींद, पांचवा नकलची, छठवा शरारत, सातवां रंग बिरंगी. नवीन शब्द के बाद हम शब्दार्थ का दौरान करेंगे. पहला है उपाय. उपाय का अर्थ होता है तरकीब. दूसरा है आश्चर्य. आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी. उपाय, तरकीब, आश्चर्य, हैरानी. शब्दार्थ के बाद हम वाक्य बनाइए का दौरान करेंगे. पहला छाया. हमें पेड़ों से छाया मिलती है. वापस से दोहराएंगे, हमें पेड़ों से छाया मिलती है. दूसरा कोशिश. अमन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. वापस से देखिए, अमन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. वाक्य बनाइए के बाद आप लिखित प्रश्न दोहराएंगे. प्रश्न एक,
टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने क्या किया? उत्तर, टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपियां पहन ली। वापस दोहराएंगे, प्रश्न एक, टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने क्या किया? उत्तर, टोपी वाले के सो जाने पर बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपियां पहन ली। प्रश्न दो, बंदर कैसे होते हैं? उत्तर, बंदर नकलची होते हैं। वापस दोहराएंगे, प्रश्न दो, बंदर कैसे होते हैं? उत्तर, बंदर नकलची होते हैं। चलो बच्चों, अब हम इसके कठिन शब्द लिखकर देखते हैं। पहला शब्द है टोपियां। ट, ट पे ओ की मात्रा। प, प पे छोटी ई की मात्रा। य, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। पहला शब्द है टोपियां। दूसरा शब्द है गठरी। ग, ठ, र पे बड़ी ई की मात्रा, गठरी। तीसरा शब्द है शीतल। श, श पे बड़ी ई की मात्रा। त, ल, शीतल। चौथा शब्द है नींद। न, न पे बड़ी ई की मात्रा, बिंदु, द, नींद। पांचवा शब्द है नकलची। न, क के नीचे बिंदु। ल, च पे बड़ी ई की मात्रा, नकलची। छठवां शब्द है शरारत। श, र पे आ की मात्रा। र, ट, शरारत। शरारत के बाद रंग बिरंगी। र, र पे बिंदु। ग, रंग योजक चिन्ह। ब, ब, ब पे छोटी ई की मात्रा। र, र पे बिंदु। ग पे बड़ी ई की मात्रा, रंग बिरंगी। वापस दोहराएंगे, टोपियां, गठरी, शीतल, नींद, नकलची, शरारत, रंग बिरंगी। अब हम शब्दार्थ को दोहराएंगे। उपाय, उपाय का अर्थ होता है तरकीब। त, र, क पे बड़ी ई की मात्रा और ब, तरकीब। आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। ह, ह पे आई की मात्रा। र पे आ की मात्रा। न पे बड़ी ई की मात्रा, हैरानी। उपाय, तरकीब, आश्चर्य, हैरानी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों ने मेरे साथ पार्ट 19 टोपी वाला और बंदर का अच्छे से दोहरान किया होगा। बच्चों, अब जितनी भी अपलोडेड वीडियो हैं आप सब उन्हें ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।